सामने टिक नहीं पाएगा। और दो दिन का प्रवास मेरा लगातार सत्संग रहेगा और लोगों से जाकर हम सीधे 5 साल के केंद्र की नीतियां और सरकार की योजनाएं और 4.5 साल की हरियाणा सरकार की मनोहर लाल जी की नीतियों को लोगों के बीच लेकर जाएंगे, उनको चर्चा करेंगे और चर्चा ही नहीं करेंगे, देश की मजबूती और राष्ट्रवाद के लिए देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक रहे, भाई भतीजावाद से ऊपर हमने काम किया है, परिवारवाद और क्षेत्रवाद से उठकर हमने काम किया, पारदर्शिता के साथ पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार दिया, किसानों को उनकी फसलों का बेस की जहाँ मुआवजा देने की बात है वहाँ किसान की माली हालत सुधरे, आज उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, एक प्रयास के लिए वो प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास सफल नहीं होगा। आज उनकी स्थिति तो ये है कि मायावती और मुलायम सिंह भी उनके साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, अरविंद केजरीवाल भी उनके साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई संभावना नहीं है कांग्रेस की। पिछली बार शायद 44-45 सीटें थी।